Yeah, good evening to all. Am I audible to all? Samastanga voice asci. ओके सो लेट्स स्टार्ट तमें ऑलरेडी कल क्वेश्चन करदे आई थिंक 55 रे हमें क्वेश्चन करवा क्वेश्चन नंबर 55 ओके क्वेश्चन नंबर 55 रे करवा The term West Texas Intermediate sometimes found in news, so refers to the grade of what? Question number 55. Yes, question number 55. The term West Texas तो ये क्वेश्चन पड़ी था जोड़ा आम एटा 2020 जो यूपीएससी प्रिलिम रो क्वेश्चन जोड़ा पड़ी था लास्ट वन ईयर भितर वेरी वेरी इंपोर्टेंट आमर कारण बेले बेले क्वेश्चन जो लास्ट वन ईयर भितर पड़ी जाए तो लास्ट वन ईयर जतेक एग्जाम हो स्टेट पीसीएस हो यूपीएससी हो कि ओपीएससी भी जो एग्जाम गुड़ाक हो तो से गुड़ाक डेफिनेटली कौन कर देखिकी जी तार जो एम सी क्यू फर्माट्रे किसी क्वेश्चन पड़ू कहीं तो लैगिंग हो जाए ओके वेरी गुड समस्त आंसर संकेत विश्व विश्वजीत ओके समस्त आंसर ए तो यहाँ हूँ आम कौन ना करेक्ट आंसर है क्रूड ऑयल तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स इन न्यूज तो यहाँ आम हूँ रिलेटेड टू क्रूड ऑयल ओके तार जब आंसर तुम देखा चाहच ओके लेट मी गो डाउन लिटिल बिट तमर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और डब्ल्यू टी आई तो द क्रूड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल वन ऑफ द मेन थ्री बेंचमार्क इन ऑयल प्राइसिंग आलंग विथ आम धर ब्रेंट है दुबई कोड है क्रूड है तो युवा रिलेटेड टू आम कौन ना क्रूड ऑयल को यहाँ आम जो कौन हो ना ग्रेड गुड़ाक आम दि जाऊँगी ओके तो करेक्ट आंसर कौन हम ना ए हो क्रूड ऑयल नेक्स्ट क्वेश्चन आम करवा क्वेश्चन नंबर 56 विथ रेफरेंस टू द इंडियाज बायोडाइवर्सिटी सिलन फ्रॉगमॉथ कपरस्मिथ बारबेट ग्रे चिनेट मिनिवेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट आर तो यहाँ आम पड़ी था यूपीएससी प्रिलिम 2020 रे तो युवाक कौन एक्चुअली बर्ड्स प्राइमेट्स रेप्टाइल्स एम्फीबियंस चार्ट बॉक्स लेट शो करुचे आउ थे बंद करके ओपन कर चार्ट बॉक्स तो टिके लैग देखोची तो करेक्ट आंसर कौन हम ये स्वागतिका समीर मनीष स्वयंतिका संगीता ए करेक्ट आंसर हूँ कौन ना ए बर्ड्स ओके तो आंसर हो कौन ना एगुडा कौन आम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ओके
करेक्ट आंसर ए मन रख। तो दिज आर द ग्रे मेंटेड एरा हूँ स्पेसीज अफ बार्ड। ओके तो ये क्वेश्चन भी आम पड़ा यूपीएससी प्रीलिम 2020 रेटा भी पड़ा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आम करवा हुईज वन अफ द फलोईंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फर कंजर्वेशन अफ द सब स्पेसीज अफ इंडियन स्वाम्प डियर और बारहसिंगा जोटाक कहे दैट थ्राइव्स वेल ऑन द हार्ड ग्राउंड एंड एक्सक्लूसिव ग्रामिनिवोरस। तो ये आम कौ नेशनल पार्क रे आम बारहसिंगा देखा जाए लिटिल बिट जूम करिया को पड़िबो। ओके इज इट ओके नाउ और शुड आई बहुत बड़ हो जाए। ओके तो यहाँ आम जो बारहसिंगा आम कहे तो यहाँ कौन हो करेक्ट आंसर येस कान्हा नेशनल पार्क। ओके कमेंट सेक्शन में कह यो चारिटाक नेशनल पार्क कौटी कौन अच्छी कान्हा नेशनल पार्क कौटी अच्छी मानस कान्हा नेशनल पार्क आमर जाचे मध्यप्रदेश रे आउ रिसेंटली मध्यप्रदेश गोटे नेशनल पार्क जोटा कि टाइगर रिजर्व जोटा कि आमर कौन हो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व अच्छी पाना टाइगर रिजर्व मानस नेशनल पार्क हूँ आम आसाम मृदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौटी कमेंट सेक्शन को कह ताल छपर। ओके कान्हाला मृदुमलाई कह कौटी आउ ताल छपर ये दुटा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौटी कौटी अच्छी ओके वेरी गुड मानस है आसाम रे पाना टाइगर रिजर्व येस समस्त आंसर ठीक अच्छे मृदुमलाई वेरी गुड तमिलनाडु तमिलनाडु और केरला मृदुमलाई कौटी तमिलनाडु और केरला। ताल छपर तो यहाँ आम तमिलनाडु हम करेक्ट आंसर मुदुमलाई आउ ताल छपर। राजस्थान ओके वेरी गुड तो दुटाक मन रख। तो यहाँ आम कौटी हम ना कान्हा नेशनल पार्क। ओके सो आम मुझे सैडटे कह जो थी कि सब इम्पोर्टां जोड़ाक अच्छी जो सैट गुड़ाक मन रख सीटा। ओके जस्ट जस्ट लेट मी गिव दैट सैट नेम। ओके जस्ट अ मिनट गाइज
ओके तो लिस्ट आमर बाहर ने आई विल टेल यू किंतु सब गवर्नमेंट रो इनफॉरमेशन तमे पाई परिबो से साइट रे ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आमे करिबा H1N1 वायरस इज समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज विथ रेफरेंस टू हिज वन ऑफ द फॉलोइंग तो H1N1 वायरस जो आमर आसला सो इट्स रिलेटेड टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 58 आई विल टेल यू दैट साइट आफ्टर सम टाइम हम डिस्कशन भी करिबा से इथरो ओके तो करेक्ट आंसर कौन हम आमर ना H1N1 हूँ आम स्वाइन फ्लू ये आम कौट मानते स्प्रेड होमर यहाँ स्प्रेड होमर पी ग्रुप स्प्रेड होमर H1N1 ओके बार्ड फ्लू बार्ड फ्लूटा कौन बार्ड फ्लू तार जो आम कह जो स्पेसिफिक कोड दिखाई H5N9 कि कौन बार्ड फ्लू रिलेटेड जो आम कह कौटा देख कमेंट सेक्शन में गोटे लिंक देसी से लिंक को क्लिक कर यू विल गेट ऑल द इम्पोर्टेंट जो साइट गुड़ा यू कैन गेट इट देयर गोटे मिनिट सो एक्चुअली वेयर इज दैट गोटे मिनिट मुझे परीक्षा सब पढ़ुची निहाती सेटा मन रखा दरकार ओके सो दिस इज द साइट मुझे जोड़ा कहूँ ओके तो यही साइट रु सब जतक नेशनल पार्क अच्छी किंबा आम प्रोटेक्टेड एरिया अच्छी सबुड़ा मन रखे ओके तो फास्ट तुम्हें देखिए आमर इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व गुड़ाक देखीद कारण परीक्षा या भितर गोटे पढ़ुची क्लिक कर बायोस्फीयर रिजर्व रे लेट मी लिटिल बिट जूम दिस वन कारण ये गोटे इम्पोर्टेंट साइट जोटा कि मन रख तो ये आम जो बायोस्फीयर रिजर्व टोटाल केतटा आम बायोस्फीयर रिजर्व अच्छी आमर 18टा बायोस्फीयर रिजर्व अच्छे ओके तो 18टा बायोस्फीयर रिजर्व रु प्रथम है नीलगिरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्वटा आम कौटी ना तमिलनाडु कर्णाटक केरल ओके तापरे नंदादेवी नंदादेवीटा आम कौटी ना उत्तराखंड अच्छी ओके तो गवर्नमेंट रो साइट तेणु
ନିହାତି ତମେ ଏଇଥିରୁ ସବୁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡାଟା ପାଇପାରିବ। ନୋକ୍ରେକ୍, ନୋକ୍ରେକ୍ ଆମର କେଉଁଠି ମେଘାଳୟରେ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖ ଆମର ପଡ଼ିଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ବାୟୋସ୍ଫିୟର, ନୀଲଗିରି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ, ତ ଏଇଥିରେ ଆମର ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ଲାୟନ୍ ଟେଲ୍ ମକାଓ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେ ଲାୟନ୍ ଟେଲ୍ ମକାଓ ଦ କି ଫର୍ନାଲ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ, ନୀଲଗିରି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ। ତାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ନୀଲଗିରିଟା କେଉଁଠିକି ଆମର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ। ଓକେ, ନନ୍ଦା ଦେବୀ ମନେ ରଖିବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ, ନୋକ୍ରେକ୍ ହେଲା କେଉଁଠି ମେଘାଳୟରେ, ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ହେଲା ଆମର କେଉଁଠି, ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଆମର ହେଲା ମନେ ରଖିବ ଆମର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମନ୍ନାର, ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମନ୍ନାର ଆମର କନେକ୍ଟ କରୁଛି କେଉଁଠୁ ନା ଆମର ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ ଏଇଟା କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ଦେନ୍ ମାନସ, ମାନସ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ତ ଏଇଟା ଆମର ଆସାମରେ ଅଛି। ଓକେ, ସୁନ୍ଦରବନ, ସୁନ୍ଦରବନ ବି ଗୋଟେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର୍ ସିଷ୍ଟମରେ, ତ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଠି ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆମର ଅଛି ସୁନ୍ଦରବନ ଡେଲ୍ଟା, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଶିମିଳିପାଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ 18ଟା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଅଛି। ଦିବ୍ରୁସିଖୱା, ଦିବ୍ରୁସିଖୱା ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆସାମରେ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବ ଦିବ୍ରୁସିଖୱା ହେଲା ଆମର ଆସାମରେ। ସିମିଲାରଲି ହେଲା ଦିହାଙ୍ଗ ଦିବାଙ୍ଗ, ଦିହାଙ୍ଗ ଦିବାଙ୍ଗ କେଉଁଠି ଅଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତ ଦିହାଙ୍ଗ ଦିବାଙ୍ଗ ଆମର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଇଗଲା। ପଞ୍ଚମାହି କେଉଁଠି ଅଛି, ପଞ୍ଚମାହି ଆମର ଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ଓକେ, ଚିନ୍ଦୱାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତିନିଟା ବେତୁଲ, ହସନବାଗ ଆଉ ଚିନ୍ଦୱାରା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆମର ସିକିମ। ଅଗସ୍ତ ମାଲୟ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେରଳରେ ଅଛି ଅଗସ୍ତ ମାଲୟ, ମନେ ରଖିବ। ଅଚାନକମାର ଅମରକଣ୍ଟକ, ତ ଏଇ ଅଚାନକମାର ଅମରକଣ୍ଟକ ପାର୍ଟ ଆମର ସମ୍ ପାର୍ଟ ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆଉ ସଟନ୍ ପାର୍ଟ ଆମର ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମର କଚ୍ଛ, ରନ୍ ଅଫ୍ କଚ୍ଛ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ। ତାପରେ ଆମର କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ଓକେ, ଶେଷାଚଲମ ହିଲ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ପାନ୍ନା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ଏଇ 18ଟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟୋଟାଲ 13ଟା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ, ୟୁନେସ୍କୋର ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭରେ ଆମର ଆସିଛି। ଓକେ, ତ ଲାଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଯେ 18ଟା ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ନା ୟୁନେସ୍କୋ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭରେ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଲିଷ୍ଟ। ଏ ଇଣ୍ଡିଆର 18ଟା ଲିଷ୍ଟରୁ ଆମର 13ଟା ଅଲରେଡ଼ି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଲାଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ପାନ୍ନା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଅଲ୍ 18। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଏଇ ସାଇଟ୍ରୁ ମନେ ରଖିବ ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଆଉ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍। ଓକେ, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ୟୁନେସ୍କୋର ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ତ ଏଇପଟକୁ ଯିବା ଆମର, ତ ୱାର୍ଲଡ଼ର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେରିଟେଜ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱାର୍ଲଡ଼ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ କେଉଁଗୁଡ଼ା। ଓକେ, ସୋ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଫ୍ୟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା, କାରଣ ଏଇଥିରୁ ଆମର ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ରିଲେଟେଡ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କି ଆମର କେଉଁ ପାର୍କଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର ଏଇଠୁ ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ୟେସ୍ ରିଙ୍କି, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଏଇଟା ଲିଙ୍କଟା ପଠେଇ ଦେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଏ ଲିଙ୍କଟା ପଠେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲିଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ। ଓକେ, ସୋ ଏଇଠି ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନିୱାନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେଇଟା ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ସେଠିକି। ଓକେ, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମନେ ରଖିବ, ୱାର୍ଲଡ଼ର ଆମର ୟୁନେସ୍କୋର ୱାର୍ଲଡ଼ ଯେଉଁ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି। 7ଟା ଟୋଟାଲ ଆମର ଅଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରେଟ୍ ହିମାଳୟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ଓପିଏସ୍ସିରେ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ, ତ ଗୁଜୁରାଟ ବି ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ ପାର୍ଟ ଗୁଜୁରାଟ ବି ଅଛି, ତ 6ଟା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆମର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓପିଏସ୍ସିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ନନ୍ଦା ଦେବୀ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। ସୁନ୍ଦରବନ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ଦେଖ, ସୁନ୍ଦରବନ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ଼ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ତ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କହିପାରିବ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ବି ସୁନ୍ଦରବନ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ଓକେ, ତାପରେ କାଜିରଙ୍ଗା ମାନସ, ତ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛି ଆମର ଆସାମରେ, ଆଉ କେଓଲାଦିଓ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ। ତ
କେଓଲାଦିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି, ମଣ୍ଟ୍ରେକ୍ସ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ନା, ଆମର ରାମସର କନଭେନସନ୍ରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଗୋଟେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ଼ର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଆସୁଛି। ଓକେ, ତ ସାତଟା ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ୱାର୍ଲଡ଼ର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ଏ ସାତଟା ଯାକ ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆ ଭିତରୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ଡିସେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଆମର ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ଓକେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ତମେ ଜାଣିଛ, ଗୁଜୁରାଟର ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦ 2017ରେ ଆମର ଏଇଟା ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା। ନାଳନ୍ଦା ମହାବିହାର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିହାରରେ ଅଛି, ଓକେ, ବୁଦ୍ଧଗୟା ବିହାର ଆମେ କହୁଛେ, ତ ନାଳନ୍ଦା ମହାବିହାର କିଏ ଆମର ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ, କୁମାର ଗୁପ୍ତ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଲି କାର୍ବୋଜର ଆମର ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ୱାର୍କ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ କ୍ୟାପିଟାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଫ୍ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଭଳି ପୁରମ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ସୋ ଟେମ୍ପୁଲ, ନାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ, ନାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, କାହିଁକି ହେଉଛି, ଓକେ ଓକେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଓକେ, ଏଇଠି ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତମକୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ରିଡ଼, କାରଣ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଥିଙ୍ଗ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇ ଯେଉଁଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ଅଜନ୍ତା ହେଲା, ଏଲୋରା କେଭ୍ ହେଲା, ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁ ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ କୋନାର୍କ, ତାପରେ ଆମର ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ହେଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଗୋଥିକ ହେଲା ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଜୟପୁର ସିଟି ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ 2019ରେ। ତ ଅପଡ଼େଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ 30ଟା ଯାକ ଆମର କଲଚରାଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି ୟୁନେସ୍କୋର, ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଥିରେ ଅପଡ଼େଟେଡ୍ ଅଛି। ଓକେ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଟୁ ଦିସ୍ ସାଇଟ୍। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ଆମର ମିକ୍ସ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଯେଉଁଟା ସିକିମ୍ରେ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ତମେ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଯିବ କେଉଁଗୁଡ଼ା କଲଚରାଲ୍, କେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲରେ ଆମର ଅଛି, ତ ମନେ ରଖିବ କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ। ଓକେ, ତ ସିମିଲାରଲି ଏଇଠି ଯିବ ଏଇ ଲିଷ୍ଟକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ, ଟୋଟାଲ ଆମର ରିଜର୍ଭ ଗୋଟେ ଅଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ, ତ ଏଇଟା ଆମର କେବେ ନା 2020ରେ, ତ ଯେଉଁଟା 20ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କବରତାଲା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବିହାରରେ, ତ 20ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ନିହାତି ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ତ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ମୋଡ଼ରେ ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆ ଉପରେ। ଓକେ, ସୋ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍, ତ ସରି ଗାଇଜ୍, ତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ତମେ ମନେ ରଖିବ କେଉଁ କେଉଁଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ତ ଆମର ଗୋଟେ କେଓଲାଦିଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯେଉଁଟାକି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଓକେ, କଞ୍ଜଲି ଲେକ୍ ପଞ୍ଜାବରେ, ଓକେ, ଆମର ଗୋଟେ ପୋକେରା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମନେ ରଖ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ତାପରେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କୋଲେରୁ ଲେକ୍ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଲୋକଟକ୍ ଲେକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା କେଉଁଠି ଅଛି ମଣିପୁରରେ, ତାପରେ ଆମର ଲୋନାର ଲେକ୍ ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ଏବେ ଟୋଟାଲ 42ଟା ଆମର ଯେଉଁ 42ଟା ଟୋଟାଲ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ଓକେ, ରୁଦ୍ରସାଗର ଲେକ୍ ଆମର UPSରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତ୍ରିପୁରା, ରୋପାଲ ଲେକ୍ ଆମର ପଞ୍ଜାବରେ, ରେଣୁକା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପୋଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମର ହେଉଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ସୋକାର ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମର ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ ସୋକାର ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠି ନା ଲଦାଖରେ। ଓକେ,
तापरे सोमिरी लेक है आमर कौटी जम्मू एंड काश्मीर, उलर लेक है जम्मू एंड काश्मीर, वेम्बनाड आमर है केरला, तापरे अपर गंगा ब्रिज घाट टू नारोडा स्ट्रेच है आमर उत्तर प्रदेश। पर्टिकुलरली जोड़ा 2020 रे हेछि डेफिनेटली से 2020 रो आटलिस्ट तुम 2020 रो गोड़ा आंसर गोड़ा मन रखिब कौन कौन गोटे गोटे है आसन कंजर्वेशन जो रिजर्व कौटी उत्तराखंड रे। ओके आउ कौन 2020 रे हेछि कबरताला, कबरताल वेटलैंड कौटी ना बिहार रे। ओके आटलिस्ट एबे जो 10टा पाखापाखि आड हेछि ओके से गुड़ाक मन रखिब। ओके 2019 रो भी आम मन रखिब नंदूर, नंदूर मधेश्वरा तो यहाँ गोटे, तापरे होची तापरे मन रखियो पार्वती आगरा बार्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश रे केते गुड़े आमर आड होके ओके ओके 2019 आ 20 रे जोड़ा होती से गुड़ा को मन रखिब। ओके सिमिलरली कौन करिबो ना आमर जतक एड़ा तो देखिले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहिला, नेशनल पार्क जतक आमर रही 108टा ना 9टा टोटल आम कह तो ये सब गुड़ाक मन रखिबो मु डिस्कशन करूनी से लिंक दे लिंक रे जाई कि आटलिस्ट 2020 सुधा जहाँ जहाँ आमर नेशनल पार्क कौटी कौ स्टेट रे कौन कौन अच्छी ऑलरेडी मेंशन अच्छी गवर्नमेंट रो साइड ऑथेंटिक यू कैन गो एंड रीड फ्रॉम हियर। ओके एंड फॉर एग्जांपल कहिबा आसाम रो तो आसाम रो डिब्रू सिखुआ, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी ओरांग। ओके बिहार गोटे वाल्मीकि। ओके तो सिमिलरली गुजरात रो मु सपोज कहबी ब्लैक बर्ड, भेलाभटर, गिर नेशनल पार्क जोटा फेमस फॉर आमर एशियाटिक लायन, गल्फ ऑफ कच्छ, भंस्टा तो युवा मन रखिब। हिमाचल प्रदेश आमर है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदर इंदर किला, खीरगंगा, पिन भैली तो युवा कहूँ आम ग्रेट सरी हिमाचल प्रदेश। ओके कर्णाटक आंसी, बांदीपुर, बनरगटा, केदुरमुख, नागरहोल। ओके केरला हूँ आनामुड़ी सोला, इराविकुलम, मातिकेतन सोला, पंबातुन सोला, फेरियर, सालियंट वैली। ओके सरी साइलेंट वैली। तापर आमर हूँ कौन ना मध्यप्रदेश रे, मध्यप्रदेश रे आमर टोटाल 10टा देख बांधवगढ़, डायनासोर फसिल, पेंच, कान्हा, कुनो, माधव, पाना, संजय, सतपुरा, बनबिहार। ओके तो महाराष्ट्र रे सेमिति आमर अच्छी मणिपुर आमर केबुल लामजो एटा आमर परीक्षा रे पड़ीला ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, तो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ओके तापर आमर कौन तापर आमर कौन ना सिमिलरली ओडिशा रे देखिबो नेशनल पार्क कौन कौन ओडिशा रे अच्छी ना भितरकना, भितरकनिका और सिमिलपाल। राजस्थान रे डेजर्ट नेशनल पार्क जोटा हूँ फेमस फॉर आमर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोटे क्वेश्चन पड़ता है वर्ष यूपीएससी प्रीलिम रे। ओके तापर केवलादियो घाना जोटा को आम केवलादियो नेशनल पार्क बोली कहचे, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रे अच्छी, रामसर कन्वेंशन रे देखला नेशनल पार्क भी गोटे, आउ गोटे आमर नेचुरल हेरिटेज जो नेचुरल हेरिटेज साइड रे आमर आसुचे मुकुंद्रा हिल, रथम्बोर, तापरे सरिस्का। सिक्किम रे कांचनजंगा गोटे बायोस्फीयर रिजर्व आउ मिक्स हेरिटेज साइड रे अच्छी। तमिलनाडु कौन कौन अच्छी ना गिंडी, तापरे आमर गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, मुकुर्ती। ओके तो सिमिलरली आमर इम्पोर्टाट हूँ उत्तराखंड रे जिम कॉर्बेट जोटा कि इंडिया फास्ट नेशनल पार्क हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तापर आम गंगोत्री, गोविंद, नंदादेवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर। वेस्ट बंगाल कौन अच्छी ना बक्सा, गुरुमरा, जलप्रदान, नारोरा, सिंगरिला, सुंदरबन। ओके सो यू विल रीड ऑल दिस आमर आंडामान निकोबर जहाँ जहाँ अच्छी। ओके मन रखिब और लद्दाख रे आमर गोटे अच्छी कौन ना हेमिस नेशनल पार्क। ओके तो यहाँ हूँ आमर जो अप टू डेट जोटा कि आमर एबे रिसेंटली 2020 सुधा कौन कौन आमर अपडेट होती यू विल गेट इट डिसेंबर 20 सुधा। तो टोटाल केतटा नेशनल पार्क ये 104टा नेशनल पार्क तो गोटे थर पढ़ीदेव सबूत मन रखा तो इम्पोर्टेंट मानने डिफिकल्ट कितु गोटे थर पढ़ीदे कि मन रही। ओके तो आमर गोटे हाँ जम्मू एंड काश्मीर मन रखे गोटे सालिम अली जोटा कि सिटी फॉरेस्ट, डिजगांव नेशनल पार्क जोटा कि आमर जो फेमस फॉर आमर काश्मीर स्टैग आम जो कहे डिजगांव नेशनल पार्क, तापरे काजीनाग, तापरे किस्तवार
तो ये सब गुड़ा आमर होची कौन ना जम्मू एंड कश्मीर ओके सिमिलर थिंग। तो ये साइड रे बहुत किसी अच्छी जोटा कि तुम एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन तुम पाइपर ओके आउ तुम ये देखिपर कौन ना कौटी आमर जदि देखिपर ये अलग गोटे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोटे पड़ा चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौटी अच्छी ओपीएससी प्रिलिम रे पड़ी था। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो मन रखा बहुत डिफिकल्ट कारण बहुत गुड़े देखे फिर भी तुमको जो टाइम मिल गोटे गोटे एमती जस्ट देखीदब ओके ये सैट रू जा गोटे गोटे आम देखीदब ओके। तो गोटे इम्पोर्टाट सैट जोटा कि आमर परीक्षा सब पढ़ुची तुम मन रख ओके। तो चक्रशिला देखो आसाम पड़े पड़ी आम चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यही पड़ी था यहाँ चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौटे अच्छी डिपोर भिल है बहुत गुड़े अच्छी इम्पॉसिबल सब जिन मन रखापी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुझे देखी तो आराउंड एमर 600 पाखापाखी अच्छी 566 इम्पॉसिबल न पढ़ा को मानने आर हूँ जदि आम देखा एफर्ट आउ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखिवा एत पढ़ा जदि आसला तो भल कथा ना छाड़ीद सॉरी ओके। तो यहाँ गोटे साइड तुम मन रखी थो तो यहाँ आम कौन हम करेक्ट आंसर साइन फ्लू ओके विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ विटामिन आउ तार डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस विटामिन सी विटामिन डी आउ विटामिन ई ता भितर कौटा करेक्टली मैच करुचे कमेंट सेक्शन में कौटा करेक्टली मैच करुचे क्वेश्चन नंबर 59 स्वयंतिका से अपडेट है नहीं ओके अपडेट है नहीं तेणु मे बी मन रखी जो आम तो ये आम करेक्ट आंसर कौन हम वन एंड टू ओनली है जब ओके देवी साहिल लिप्सिता सरस्वती लाला गौरांग मगन स्वयंतिका तो नाइट ब्लाइंडनेस जो को आम कौ विटामिन डेफिशिएंसी रे हुए हमारा विटामिन ए लास्ट टाइम गोटे पड़ी था आमर मैक्सिमम विटामिन सी कौन अच्छे गुआभा गोटे क्वेश्चन पड़ी था जे विटामिन सी टा आमर मैक्सिमम अच्छी गुआभा ऑरेंज भी थिला टमाटो भी थिला ऑरेंज रे भी विटामिन सी अच्छी साइट्रस फ्रूट रे किंतु मैक्सिमम परसेंटेज देखले कौन ना गुआभा ओके। तो विटामिन सी रो डेफिशिएंसी रे को डिजीज हुए आमर स्कर्वी हुए विटामिन डी रो आमर डेफिशिएंसी रे आमर रिकेट्स हुए आ विटामिन ई विटामिन ई नुह विटामिन ए रो डेफिशिएंसी आम नाइट ब्लाइंडनेस हुए ओके एंड विटामिन ए कौन ना जनरली तुम कैरट विटामिन ए बहुत अच्छे ओके। तो विटामिन ए तो आंसर है कौन ना वन एंड टू है करेक्ट आंसर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आम करवा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिप्थेरिया चिकेन पॉक्स स्मॉल पॉक्स तो कौटा ऑलरेडी आम इराडिकेट हो इंडिया इंडिया कौटा इराडिकेट हो ओके कौन हम करेक्ट आंसर मे बी मुझे उपरक नौ भेरी गुड मनेश गौरांग अर्चना श्रीकांत रुबिना गुप्तेश कुंज बिहारी संगीता सुज्ञानी सत्यनारायण मधुमिता वैशाली वेंकटेश श्वेता मुक्त मुक्ता स्वयंतिका सी एन दिनेश विश्व मगन राजीव रंजित सरी लाला सरस्वती स्मॉल पॉक्स ओनली। त
तो आमर इंडिया रू डिप्थेरी आउ चिकेन पॉक्स स्टिल इट इज मैंने अच्छी इंडिया रे टोटाली आम जब कह इराडिकेट कौन है स्मॉल पॉक्स तो स्मॉल पॉक्स आम 1969 पर आ देखा जाए नी। ओके तो करेक्ट आंसर हो कौन ना बी हो करेक्ट आंसर। ओके तो यहाँ गोटे क्वेश्चन आम यूपीएससी प्रिलिम रे पड़ा इन आडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन। तो आमर फिंगरप्रिंट छाड़ीदे आम जानचे आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट आम यूज करूचे आउ कौन कौन आम बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन पे यूज कर स्कैनिंग रेटिनल स्कैनिंग वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कौन हम आंसर आर क्वेश्चन नंबर आम करूचे वर्तमान 61 क्वेश्चन नंबर 61 कौन हम गुप्तेश ये मॉक टेस्ट नंबर 28 आम करूचे 28 मॉक टेस्ट डी हो तीनटा एक देख आमर आखिर भी स्कैनिंग होची इरिस आखिर दीटा आम एक्चुअली इरिस स्कैनिंग होची आउटे रेटिनल स्कैनिंग दीटा एक होची वॉइस रिकॉग्नाइजेशन भी आम गोटे जो आइडेंटिफिकेशन पे यूज करा जाए कहीं आम कहीपर जो शिवाजी मूवी देखी थे रजनीकांत वॉइस शुणिले ही आम पासवर्ड खोल तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन अल्सो यूज फॉर बायोमेट्रिक तो आंसर कौन होमर डी हो करेक्ट आंसर। ओके तो आंसर कौन हम ना डी हो 1, 2, 3 तीन टाक तेणु मन रखिए वॉइस रिकॉग्नाइजेशन रेटिनल आउ इरिस स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होचे आमर एमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म व्हिच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर थ्री तो कोटा अन्य तीन टाक को आमर बिलोंग करूनी 62 क्वेश्चन नंबर 62 करी हेनी समस्त भयस गोटे यूनिक भयस अच्छी तुम मिमिक्री रे करी परिवनी माने मे भी तुम ता भलिया भयस करी परिव किंतु जो फ्रीक्वेंसी जो पिच तो सेटा डेफिनेटली समस्त अलग अलग था है। ओके तो ये हमर कौन हम करेक्ट आंसर 62 क्वेश्चन नंबर 62 ओके क्राफ 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 ओके समस्त आंसर होची ए क्राफ यस तो करेक्ट आंसर कौन हम आम ना ए क्राफ हो। ओके जस्ट मिनिट मु तो आंसर कौन हबार ना आर आंसर है जो हमरो ओ तरीका क्राब है जो हमरो करेक्ट आंसर। ओके तो कौन है जो हमरो ना करेक्ट आंसर है जो क्राब। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करिबा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो तीनटा देची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टाटुइंग तो आम जो टाटू करूचे तो गोटे पर्सन रू आ गोटे पर्सन को जदि जड़े टाटू रे को गुड़ा एक्चुअली डिजीज ट्रांसमिट हो पार चिकेनगुनिया हेपाटाइटिस बी एचआईवी एड्स कौन हम आम करेक्ट आंसर आर देख ये जो हेपाटाइटिस बी आउ एच आई भी यहीटा आमर जदि कौन सी इनफेक्टेड अलरेडी गोटे लोक हो तार जदि ब्लड आउ जड़े जदि बॉडी रे जो आसला तो डेफिनेटली कंटाक्ट आसला तो डेफिनेटली सेटा ट्रांसमिट हे तो आम टाटुइंग रे कौन हो सपोज जो निडिल आम यूज करे इनफेक्टेड लोक को सेम निडिल जदि आम यूज करवा आ गोटे हेल्दी लोक को तेल सी अफेक्टेड होवार चान्स अच्छे तो हेपाटाइटिस बी एच आई भी एड्स आम यहाँ कहे जदि आम बेले बेले कहू जदि आम जो जाऊे सेलून को न्यू ब्लेड यूज करने को कहुचे जो ब्लेड थे यूज होती नो नीड टू यूज दैट ब्लेड कहीं आम जब कौन से लोक कंटामिनेटेड होते तो इट विल अफेक्ट द अदर पर्सन किंतु चिकेनगुनिया है डेंगू है मैलेरिया है डिजार आम हूँ कौन ना फिमेल एनोफिलिस मस्किटो जो आम हूँ मस्किटो बर्न डिजीजेस चिकेनगुनिया डेंगू आउ
मलेरिया। ओके तो आंसर कौन है जीवा हमारा 213 है जीवा आंसर, करेक्ट आंसर बी। ओके नो डी नु है, करेक्ट आंसर बी है जीवा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करिबा, एक क्वेश्चन हमारे पढ़ी था यूपीएससी प्रीलिम रे भी क्वेश्चन था और ओपीएससी प्रीलिम भी एक क्वेश्चन था। मेटास्टेसिस इज ए प्रोसेस बाय व्हिच, तो मेटास्टेसिस माने कौन, तो मेटास्टेसिस हूँ ना जो कैंसरियस सेल गुड़ा अच्छा तो से माने जो दी दे कैन स्प्रेड थ्रू द ब्लड और लिम्फोटिक सिस्टम टू अदर साइड ऑफ द ऑर्गन। तो कैंसर रे कौन हुए ना अनकंट्रोल मैनर सेल डिवीजन हुए, तो जो इन्फेक्टेड सेल गुड़ा अच्छा दे विल डिस्ट्रॉय द आम जोड़ा का मैंने जोड़ा गुड सेल अच्छी तो से गुड़ा को डिस्ट्रॉय कर थ्रू आउट बॉडी रेट ऑफ स्टेट जो स्प्रेड हे। तो जो कैंसरियस सेल स्प्रेड थ्रू द ब्लड और लिम्फोटिक सिस्टम टू अदर साइड ऑफ द ऑर्गन, तो यहाँ को आम कहे मेटास्टेसिस। तो कैंसर कौन हुए ना बॉडी रो आम कह ब्लड सेल गुड़ाक स्प्रेड करती, तो धीरे धीरे आम कौन हुए ना जोड़ाक मैं हेल्दी ब्लड सेल जोड़ा अच्छा से डैमेज कर दिखती जोड़ा कि आमर अलरेडी इनफेक्टेड ब्लड सेल गुड़ा। ओके से केमो दि जाए। ओके जो थी कि आमर जो इन्फेक्शियस सेल गुड़ा को डायरेक्टली कौन हुए ना मारी दि जाए। ओके तो और तुम्हें कौन कर ना ये ना जनरली आमर जो मान को जो कैंसर होता है केमोथेरापी आमर बोन जो मैरो मैपिंग भी आमर करा जाए। ओके तो ये दुटा आम कैंसर पर करा जाए, तेणु मेटास्टेसिस मन रखी था कैंसरियस जो सेल स्प्रेड थ्रू द ब्लड और लिम्फोटिक सिस्टम टू अदर साइड, तो बी है जो आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर कौन ना आमर एंटीजन इज ए सब्सटेंस व्हिच, तो एंटीजन टा कौन एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 65। बी इट यूज टू डी स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, यस द करेक्ट आंसर कौन हम ना डी। समस्त मधुमिता सुकियानी संगीता श्रीकांत लिप्सिता गुप्तेश सरस्वती टिंकू वैशाली अमित, तो डी हो करेक्ट आंसर समस्त। तो मेन काम है इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर ये कौन कर ना एंटीबॉडी फॉर्मेशन है इट विल प्रोटेक्ट द जो हार्मफुल बैक्टीरिया अच्छी तो ताथ्रू आम बॉडी को प्रोटेक्ट कर। ओके तो जेनेली आम जो कोविड 19 ने कोविशील्ड की कोवैक्सीन नौचे तो मेन काम हो कौन तार ना एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर सो दैट आम इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप कर जदि किसी फॉरेन हार्मफुल बैक्टीरिया जो हार्मफुल किसी सब्सटेंस बॉडी भितर को जाऊँगी ये आम इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सो दैट दे विल फाइट द आमर जो मैंने जो बैड पैथोजन जो गुड़ा आम बॉडी भितर को जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डीएनए मेक्स इट यूनिक सुइटेबल टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इनफर्मेशन फ्रम जेनेसन टू जेनेसन, तो जो डीएन रो यूनिक एमती क्यारेक्टरिस्टिक अच्छी जो आम इनफर्मेशन टा गोटे जेनेसन आउ गोटे जेनेसन को ट्रांसमिट हो कौन हम करेक्ट आंसर। ओके तो यहाँ हूँ डबल हेलिकल जो डबल हेलिक्स आम जो रोचे डीएनए रो। ओके तो आंसर है बी यस मनीष, तो बी है आम करेक्ट आंसर मधुमिता बितुन लोपामुद्रा। ओके तो आंसर है सरस्वती, तो आंसर है बी तो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रोचे डीएनए हूँ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड तो आर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रोचे। ओके तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर ओके गोटे आमर डेली जो वेदर मैप शोइंग आइसोबार इज ए एग्जांपल ऑफ, तो जो डेली वेदर मैप रे आइसोबार इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ मैप क्लोरोपेथ आइसोप्लेथ
क्रोमैटिक मैप, कोरोस स्कीमैटिक मैप। तो आप भितर कौन हम करेक्ट आंसर 67 क्वेश्चन नंबर 67। ओके तो कौन हम करेक्ट आंसर यार ना बी हिजबो। तमे जानिछ जे देखो डेली एटा उपरे हमर पडुची तो डेली वेदर मैप जोटा आईसो बार आमे कहउचे तो हमर कौन होची ना आईसो प्लेट बोली एटा को कहा जाए। ओके सेम टेंपरेचर हेला आमे ताको आईसो थर्म, सेम प्रेशर हेला आईसो बार, सेम हमर रेनफॉल हेले कौन ना आमे देख लास्ट टाइम हमर ओपीएससी रोटे क्वेश्चन पडतला आईसो नेप करी गोटे हमर क्वेश्चन पडितला। तो सिमिलरली मन रखिए डेली वेदर मैप शोइंग आइसो बार इज एन एग्जांपल ऑफ आइसो प्लेथ मैप। ओके आंसर इज कौन ना बी इज हमर करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमारा ओपीएससी रे पड़ी था लास्ट टाइम विली विली इज वो विली विली टा कौन एक्चुअली हमरा क्वेश्चन नंबर 68। तो करेक्ट आंसर कौन हम ना सी हिज हमर करेक्ट आंसर। ओके तो विली विली हूँ कौन आम गोटे ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो हाँ यस सेम रेनफॉल है आईसो हाइट आउ कौन इक्वल क्लाउड कवर थिला सॉरी इक्वल क्लाउड कवर है आईसो नेफ। ओके तो यहाँ आम करेक्ट आंसर कौन हम ना सी हिज आमर करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ आम हूँ ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। यहाँ भी आम परीक्षा पड़ी था जे इफ अर्थ डिरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स व्हाट शुड बी द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व्हेन इट इज नून आट इंटरनेशनल डेडलाइन। आमर आर्थ रोटेट करुच्छे वेस्ट रू ईस्ट को। ओके सपोज ये आम ईस्ट रू वेस्ट को आम रोटेट कर तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हम जदि ये आम इंटरनेशनल डेट लाइन रे आम नून हो मैंने दिन 12 जदि आम हो अकॉर्डिंग टू लंडन टाइम आम इंटरनेशनल डेट लाइन आम कह तो से इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के क्वेश्चन टे भलसे पढ़ मुझे रिभर्स हम मानने आर्थर डिरेक्शन टा रिभर्स हम आम जेनेली कौन हुए जदि आर्थर डिरेक्शन किसी रिभर्स होनी नॉर्मली आर्थ इन रोटेट हो तो इंडिया रो टाइम टा 5.5 घंटा आगुआ रहे मानने पर आसे लेट्रे तो जदि आम नून होते ना इंटरनेशनल डेट लाइन आम इंडिया स्टैंडर्ड टाइम हूँ के आम 5:30 PM। ओके तो ये सन्ध्या 5:30 किंतु जेहेतु आमर जो 75 डिग्री सॉरी 82 डिग्री हाफ आउ इंटरनेशनल डेट लाइन हूँ 0 तो 82 डिग्री को आम जब हिसाब करवा तो आराउंड आम 5:30 आवर्स आसूँ तो जिते दिन 12 तो आम इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के सन्ध्या 5:30 किंतु सी कही रोटेसन आम रिभर्स होभर्स हमें 5:30 घंटा पूर्व आसो तो जब दिन 12 आम इंडिया के हम ना सका 6:30 5:30 5 आवर्स 30 मिनिट्स माइनस कर दियो तुम्हें। ओके तो आंसर कौन हम ना ए हिजबा आमर करेक्ट आंसर। ओके नॉट बी करेक्ट आंसर हूँ ए क्वेश्चन से पढ़ भल से कौन दे मानने रिवर्स डिरेक्शन रोटेट करा दे कि कौन दे तुम्हें भलसे क्वेश्चन टा पढ़ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रिलेवेंट इन प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन द मार्स। तुम्हें जब मार्स रे कहिबा जे आम को कंडीशन जो आम कहे जे मार्स रे लाइफ अच्छी बोली कौन हम आत्मोस्फेरिक कंपोजिशन थर्मल कंडीशन अकरेन्स ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर अकरेन्स ऑफ ओजोन।
तो करेक्ट आंसर कौन हम ना आमर जेहेतु वाटर आमर एविडेन्स आम कहे जे मार्स वाटर अच्छी तो डेफिनेटली वाटर अच्छे मैंने लाइफ अच्छी ओके तो मोस्ट आमर रिलेवेंट फॉर प्रेजेंस ऑफ लाइफ इन द मार्स कहीं अकरेंस ऑफ आइस कैप आउ फ्रोजन वाटर से डिस्कवर करा जाए तो आंसर कौन हम सी हो आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन दैन रेस्ट तो जदि आम देखा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन कौटी ना आमर करेक्ट आंसर कौन हम ना डी हो आंथ्रासाइट जो थे कि आमर मोर दैन 90% अराउंड 89-90% आम कार्बन कौटी अच्छी ना आंथ्रासाइट अच्छी तो हाईएस्ट होमर आंथ्रासाइट तापर आमर हो बिटुमिनस लिग्नाइट लास्ट को आमर आसो पीट ओके तो हाईएस्ट आंथ्रासाइट लास्ट को आमर रहिबो पीट आंथ्रासाइट रे मोर देन 89% कार्बन आमर अच्छी कौटी ना आंथ्रासाइट कोल रे ओके तो डी हिजबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके तुम आंसर कर चलो कारण टाइम बहुत आम स्लोली जाऊे से मु देखुनी चार्ट रे के कौन मैंने मेसेज करुछंती ओके आई थिंक यस तो समस्ते आम आंसर ठीक आंसर करुछंती ओके। नेक्स्ट हूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय सडन फॉल इन द बारोमीटर रीडिंग तुम जदि बारोमीटर रीडिंग रे आमर प्रेशरटा सडन फॉल हैला ओके तो आम कहे जे लो प्रेशर क्रिएट हो लघुचाप क्रिएट होके लो प्रेशर क्रिएट हेल्ला आमर कौन आसो कौ भाया वेदर आमर आसो तो डेफिनेटली आम कह बात्या क्रिएट हम ओके स्ट्रमी वेदर हम बात्या आमर हो पारे ओके तो आम कौन कह ना स्ट्रमी वेदर हम जदि आम सडनली पारदा आम बारोमीटर में ड्रप होगा तो आम कह लो प्रेशर क्रिएट है मैंने लघुचाप लो प्रेशरटा हमारे गणना डेफिनेटली तुम जान कौन को लिड कर ना आमर गोटे बात्या को लिड कर स्ट्रमी वेदर हो आंसर कौन हम ना ए हो करेक्ट आंसर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तूफान आसो यस वेंकटेश तूफान आसो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ इफ ए स्टार आर इफ द स्टार्स आर सीन टू राइज परपेंडिकुलर टू द होराइजन बाय एन ऑब्जर्वर ही इज लोकेटेड जदि तुमको लगुच तुम स्टार्टा को परपेंडिकुलर टू द होराइजन रे तुम देखु तुम तेल कौटी ठिया हो क्वेश्चन ये क्वेश्चन आम यूपीएससी प्रीलिम पड़ा इफ द स्टार्स आर सीन टू राइज परपेंडिकुलर टू द होराइजन बाय एन ऑब्जर्वर सो ही इज लोकेटेड ऑन व्हिच प्लेस तो आमर कौन हो करेक्ट आंसर आर इक्वेटर तो कौन हम करेक्ट आंसर इक्वेटर होमर करेक्ट आंसर ओके ए होमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड अबाउट सेडिमेंटरी रॉक सेडिमेंटरी रॉक आर फॉर्मड ऑन द अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ प्री एक्जिस्टिंग रॉक्स सेडिमेंटरी रॉक्स कंटेन फॉसिल सेडिमेंटरी रॉक्स टिपिकली अकर इन लेयर्स कौन हम करेक्ट आंसर आर सेडिमेंटरी रॉक उपर क्वेश्चन पड़ी कौन हम करेक्ट आंसर आर कारण तुम इक्वेटर ठिया हेल्ले जहाँ भी आमर जो तुम देख परपेंडिकुलरली जदि चाहूँ ओके यू सुड आम कह पूरा मझीरे ही ठिया हेल्ले तुम जान मझीरे ही ठिया हेल्ले तुम पूरा एक्जाक्टली परपेंडिकुलर रहिबो ओके तो आंसर एटा कौन हम ना डी ऑल हिजबो करेक्ट आंसर ओके तो डी हिजबो आमर करेक्ट आंसर ओके 74 नंबर क्वेश्चन आंसर देखिद कन्फ्यूजन जदि आमर मैंने तो कौन हम ना डी हमारे करेक्ट आंसर ओके ऑल ऑफ द जो आमर जो ऑप्शन ने देची ए क्वेश्चन टा यूपीएससी पड़ी था
तो आम सेडिमेंटरी रॉक टा फॉसिल फ्यूल तुम कंटेन करुच्छे तुम जाच जे ऑलरेडी आमर वेदरिंग ऑफ प्री एक्जिस्टिंग रॉक्स तो ये सब गुड़ाक आम रिलेवेंट फॉर आम सेडिमेंटरी रॉक। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम करवा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची जे वोल्केनिक इरप्शन डज नॉट अकर इन तो कौटी आम वोल्केनिक इरप्शन टा होनी कमेंट सेक्शन को कह आ भितर कौ सीरे आम वोल्केनिक इरप्शन होनी तो करेक्ट आंसर कौन हम ना बाल्टिक सीरे आम वोल्केनिक इरप्शन होनी ए हूँ आम करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आम करवा यस नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आम यहाँ भी परीक्षा पड़ी था क्वार्जाइट इज ए मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ तो ये क्वेश्चन आम ऑलरेडी कर तो ओपीएससी प्रीलिम्र क्वेश्चन क्वार्जाइट इज ए मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ कहार आम मेटामॉर्फिक फॉर्म क्वार्जाइट। ओके तो करेक्ट आंसर कौन हम ना आमर सैंड स्टोन तो सैंड स्टोन को जो आम इंटेन्स हिट एंड प्रेसर दबा तो सी कौन हम ना सेडिमेंटरी रॉकटा आम गोटे मेटामॉर्फिक रॉक हो तो से क्वार्जाइट आम कह गए मेटामॉर्फिक रॉक इवन इफ मार्बल भी आम हो गए मेटामॉर्फिक रॉक। ओके तो डिफरेंस बिटवीन आमर सैंड जो मेटामॉर्फिक रॉक आउ सेडिमेंटरी रॉक भितर कौन ना जो सेडिमेंटरी रॉक को आम इंटेंस हीट एंड प्रेशर दबा तो सी कौन हो आमर गोटे जो आम मेटामॉर्फिक रॉक हो। ओके तो आंसर होगा कौन ना सैंडस्टोन आम करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आम करवा ओके सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू आवर सोलार सिस्टम तो सोलार सिस्टम रितर कौटा करेक्ट स्टेटमेंट अर्थ इज द डेंटेस्ट जो डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लानेट इन आवर सोलार सिस्टम तो जिते सोलार सिस्टम रे प्लानेट अच्छी अर्थ हूँ आम सब डेन्स प्लानेट। ओके आउ सब गुड़ाक आम दे तो करेक्ट आंसर कौन हम तेटा करेक्ट आंसर मन रख आमर ए हिजबो करेक्ट आंसर अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लानेट इन आवर सोलार सिस्टम ए हिजबो आमर करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यस वैशाली देवी मगन संकेत आशीष वेंकटेश मनीष मनुप्रिय अर्चना नारायण। ओके समस्त आंसर ठीक अच्छी तो कौन हम यहाँ आमर ना आम अर्थ हूँ जितक आमर जो सोलार सिस्टम भितर जितक ग्रह अच्छा प्लानेट अच्छा तो अर्थ हूँ सब डेंसेस्ट ऑफ ऑल प्लानेट इन आवर सोलार सिस्टम। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम करवा अशी जाए करवा सो अनदर टू क्वेश्चन आम करवा। ओके एमंग द फॉलोइंग व्हिच प्लानेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रिवल्यूशन अराउंड सन तेणु जी दूर से अच्छी तो सी लार्जर अर्बिट्रे बुल तो जी लार्जर अर्बिट्रे बुल। ओके तो डेफिनेटली अधिक टाइम लगे। ओके भितर किए दूर से अच्छी चारटा भितर किए सब दूर से अच्छी अर्थ जुपिटर मार्स वेनस तो कौन हम करेक्ट आंसर ताले बी हो करेक्ट आंसर तो गोटे थर आम जो सूर्य चारिपटे बुलाक मैक्सिमम टाइम किए नब ना जुपिटर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आम करवा व्हेयर इज वोल्केनिक माउंटेन माउंट सेंट हेलेन लोकेटेड तो माउंट सेंट हेलेन टा जो को व्हेयर इज दैट वोल्केनिक माउंटेन टा कौटी लोकेटेड चिली जापान फिलीपींस आम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कौन हम करेक्ट आंसर एनीवन
डी हम वेरी गुड आशीष मनीष देवी अर्चना ओके समस्त आंसर ठीक अच्छे यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए आमर अच्छी कौन ना ये जो माउंट सेंट हेलेन तो आम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ लोकेटेड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आज लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ सूर्य और पृथ्वी भितर एवरेज डिस्टेंस होचे केते एटा 10 टू दि पावर 6 किंवा 10 टू दि पावर 5 कहिबो ओके 105 नुहे एटा 10 टू दि पावर कौन हम आंसर आ रहा क्वेश्चन नंबर 80 ओके वेंकटेश डी चिंतामणि डी देवस्मिता डी अर्चना डी देवी डी ओके तो मन रख आमर कौन ना आवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ हमारे कौन ना 150 इंटु 10^6 किलोमीटर ओके तो ये हूँ आमर जो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ भितर तो आंसर हो डी ओके तो आज आम ये डिस्कसन करवा आज जोड़ा रहा आम नेक्स्ट क्लास डिस्कसन करवा ओके ओके गाइस तो यही भाया तुम कौन कर ना जो वेबसाइट रे प्रैक्टिस करो वेबसाइट रे प्रैक्टिस करले कौन हम ना तुम्हें कहार आंसर मन रोनी कौटा मन रोचे यू क्या इजिली गेस कारण आम न देखी गोटे करवा आमती तो पीडीएफ रु सब देखी देखी पाकि कर पीडीएफ रु देखिक कितु गोटे दुथर तुम वेबसाइट परीक्षा दे सो दैट कि आम जो गुड़ाक आंसर तुम रटा मारिक मन रखीचे तो तार आंसर गुड़ाक आम क्वेश्चन टा देखला मन पड़े ना यू कैन क्रॉस चेक ओके आउ डेफिनेटली ए 30 मॉक टेस्ट घोषिक जाओ परीक्षा डेफिनेटली आम आगे बहुत गुड़े क्वेश्चन आसो ओके यस रंजन विल डू दैट ओके आम करवा सीटा ओके सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट टू ऑल टुमरो विल मीट अगेन 10:30 आमर इवनिंग रे क्लास अच्छे सिमिलर क्लास अच्छे आम सी सैट देख प्लीज गायज जो मैंने सी सैट रे स्ट्रॉन्ग नहांती तो कोठी ना कोठी सी सैट रो यूट्यूब रो कि कोठो को देखिक सी सैट पे ट्राए जो आमर कौन ना ट्राए कर करने सी सैट रो जो पोर्सन टा कारण बहुत भल भल पिला भी सी सैट रे कटि जाउछन ओके ओके थैंक यू आमे नेक्स्ट क्लास रे भेट हवा थैंक यू एवरीवन।